हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 का एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। आपको इन तीनों को डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट है हमारे पास 10/3, तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे, सिर्फ डिवाइड करेंगे। तो 3 से जब 10 को करेंगे तो 3, यहाँ पर 9 आएगा, सब्ट्रैक्ट किया 1। 3 की टेबल में 1 नहीं आता तो हमने यहाँ डेसिमल लेके एक ज़ीरो ले ली। 3 3 ज़ा 9, देन अगेन 1 मेरा रिमाइंडर बचा। एक बार आपने यहाँ डेसिमल ले लिया है तो आप एक स्टेप में एक ज़ीरो अब ले सकते हैं, हर बार डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर 3 3 ज़ा 9, देन रिमाइंडर 1 है। फिर दोबारा एक बार आप डेसिमल यहाँ लगा चुके हो तो आप एक ज़ीरो ले सकते हो, एक स्टेप में एक ज़ीरो ले सकते हो, उसके लिए आपको दोबारा डेसिमल नहीं लगाना पड़ेगा। 3 3 ज़ा 9, आप देख रहे हो कि ये बार बार 1 बच रहा है रिमाइंडर में, तो ऐसे ही कब तक चलेगा? तो डेसिमल के बाद आपको 3 या 4 डिजिट्स लिखनी है, बस मैक्सिमम 3 या 4 डिजिट्स, उसको कंटिन्यू नहीं करना है बस। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया, 3.333। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास सेकेंड पार्ट है हमारे पास 7/8। तो अब इसको डिवाइड करते हैं। अब 8 की टेबल में 7 नहीं आता तो स्टार्टिंग में यहाँ हम डेसिमल लेंगे और एक ज़ीरो ले सकते हैं। हम यहाँ एक डेसिमल से हम हमेशा एक ही ज़ीरो ले सकते हैं। तो 8 की टेबल में अब 70 से छोटा 8 8 8 जा 64। तो जब इसमें से इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा 6 बचा। अब हमने एक बार यहाँ डेसिमल ले लिया है तो एक स्टेप में एक ज़ीरो हम यहाँ ले सकते हैं। तो अब 8 की टेबल में 60 से छोटा 8 7 जा 56, 4 बचा। सिमिलरली एक बार आप डेसिमल ले चुके हो तो एक ज़ीरो आप यहाँ इजीली ले सकते हो, 8 5 जा 40। ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया आपका। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपका क्या आया, 0.875। पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे हम ज़ीरो लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसमें, अब हमारे को 1/7 को डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। 7 यहाँ लिखा, 1 यहाँ लिखा, 7 की टेबल में 1 नहीं आता, डेसिमल लगा के एक ज़ीरो हम खुद से ले लेते हैं। 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया 3। आपने यहाँ एक बार डेसिमल ले लिया है तो अब आप एक स्टेप में एक ज़ीरो ले सकते हो। 7 की टेबल में 30 से छोटा 7 4 जा 28। अब हमने लेस किया तो 2 बचा। फिर वही डेसिमल आप एक बार ले चुके हो तो एक स्टेप में एक ज़ीरो ले सकते हो। देन 7 की टेबल में 20 से छोटा नंबर 7 2 जा 14, इसमें से इसको लेस किया 6 बचा। फिर मैं एक ज़ीरो ले सकती हूँ क्योंकि मैंने एक बार डेसिमल स्टार्टिंग में ही लगा दिया था। तो 7 की टेबल में 60 से छोटा नंबर 7 7 जा 49 और 7 8 जा 56, तो 7 8 जा 56, देन 4 बचा। अब 7 4 है तो आप यहाँ ज़ीरो एक बार और ले सकती हूँ। तो 7 की टेबल में 40 से छोटा नंबर 7 5 जा 35, 5 बचा। आप देख रहे हो ये कंटिन्यूएशन में चलता जा रहा है। हमने डेसिमल के बाद 4 to 5 डिजिट्स निकाल दिए हैं तो बस हमको यही लिखना है, 0.14285। पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो हमने यहाँ ज़ीरो लगा दिया। तो जब भी आपको क्वेश्चन बोले कि डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करो, तो अगर आपका पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, तो आप पूरा पूरा ही लिखोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि हर बार रिमाइंडर बचता जा रहा है और ये बहुत लेंदी हो गया है डिवीज़न, तो आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद 4 to 5 डिजिट्स लेनी है। अगर आप 3 to 4 डिजिट्स भी लोगे तो ठीक है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो हर बार 3 आ रहा था, मतलब हर बार रिमाइंडर 1 बच रहा था, तो मैंने यहाँ पॉइंट के बाद सिर्फ 3 नंबर लिए, उसके बाद नहीं लिया। पर यहाँ पर जब आप देख रहे थे रिमाइंडर हर बार अलग बच रहा है, 3 था, देन 2 6 4, अब 5 आया। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँ तो कुछ और आएगा। तो आप पॉइंट के बाद 4 to 5 डिजिट्स लोगे, पूरा सॉल्व नहीं करोगे, बस ये यहाँ पर आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।